हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की वीडियो है 12th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ विस्टास, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस 99% होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगी, बल्कि मैंने आपको आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप इस पर एक लाइक कीजिए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। तो आइए हम देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वार्निंग डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव द टाइगर किंग व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, कि वो कौन सी वार्निंग थी जो एस्ट्रोलॉजर ने टाइगर किंग को दी जब टाइगर किंग ने अपने फर्स्ट टाइगर का हंट किया। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से है कि जब महाराज ने फर्स्ट टाइगर का शिकार किया तो एस्ट्रोलॉजर ने उनसे कहा कि महाराज आप इस तरीके से 99 टाइगर्स का शिकार कर लीजिए, पर जब आप 100 टाइगर का शिकार करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है हाउ डिड द दीवान मैनेज टू अरेंज द 100 टाइगर फॉर द महाराज, के दीवान ने महाराज के लिए 100 टाइगर कहाँ से अरेंज किया। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं कि दीवान ने मद्रास के पीपल्स पार्क से 100 टाइगर अरेंज किया और उसने उसको लाकर अपने घर में छिपा लिया। नेक्स्ट डे उसने और उसकी वाइफ ने टाइगर को वहाँ ले जाकर छोड़ दिया फॉरेस्ट में, जहाँ पर किंग जो है टाइगर किंग वो हंट कर रहे थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है व्हाई डिड द महाराज डिसाइड टू गेट मैरिड, के महाराज ने शादी करने का डिसीजन क्यों लिया। तो इसका आंसर है कि महाराज को 100 टाइगर्स को शिकार करना था और उन्होंने ऑलरेडी 70 टाइगर्स का हंट कर लिया था, जिसकी वजह से उनके स्टेट में टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो गई थी। यही रीज़न था कि उन्होंने एक ऐसी स्टेट की गर्ल के साथ, ऐसे स्टेट की राजकुमारी के साथ शादी करने का फैसला किया जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स हों। अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपकी स्क्रीन पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं हाउ डिड द महाराज, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डिड द महाराज प्लीज अ हाई रैंकिंग ऑफिसर, के महाराज ने एक हाई रैंकिंग ऑफिसर को कैसे प्लीज किया, कैसे खुश किया। तो इसका आंसर है कि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर उनके स्टेट में आया, प्रतिबंधपुरम में आया, और वो टाइगर हंटिंग की परमिशन लेना चाहता था महाराज से, मगर महाराज ने उनकी इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया, जिसकी वजह से वो ऑफिसर अपसेट हो गया। और महाराज ने ऑफिसर की वाइफ को खुश करने के लिए लगभग 3 लाख रुपीज़ की डायमंड रिंग्स भेजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा व्हाई डिड डॉक्टर सटाओ ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर इवन दो इट वाज एन अनपेट्रियोटिक एक्ट ऑन हिज पार्ट, के ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये नेक्स्ट लेसन का है, जिसका नाम है एनिमी। तो इसके जो हीरो हैं वो डॉक्टर सटाओ हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि डॉक्टर सटाओ ने अमेरिकन सोल्जर की हेल्प क्यों की, उसको ट्रीट क्यों किया, जबकि ये उनके लिए एक अनपेट्रियोटिक यानी एक देशद्रोही वाला एक्ट साबित हो सकता था। तो इसका आंसर है कि डॉक्टर सटाओ ने अमेरिकन प्रिजनर को इसलिए ट्रीट किया क्योंकि एज अ डॉक्टर उनको ट्रेन किया गया था कि वो लोगों की ज़िंदगी बचाएं, और इसीलिए वो एक इंजर्ड सोल्जर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकते थे और इसीलिए उन्होंने उसको ट्रीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसका मतलब है हाउ डिड हना हेल्प डॉक्टर सटाओ, हना है डॉक्टर सटाओ की वाइफ। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हना ने डॉक्टर सटाओ की हेल्प कैसे की। इसका आंसर है कि हना एक बहुत ही फेथफुल वाइफ थी और वो अपने हस्बैंड के सभी डिसीजंस में उनका सपोर्ट करती हैं। उन्होंने जो है डॉक्टर सटाओ की हेल्प की जब उनके सभी सर्वेंट्स ने उनकी हेल्प करने से मना कर दिया था। डॉक्टर सटाओ की हेल्प हना ने तब भी की, उन्होंने ऑपरेशन में भी उनकी हेल्प की और उन्होंने जो है उस एनिमी को वॉश भी किया जबकि सर्वेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। व्हाट सीक्रेट प्लान डिड द जनरल हैव अबाउट द अमेरिकन सोल्जर स्टेइंग अंडर द केयर ऑफ डॉक्टर सटाओ, के जो जनरल हैं उनके पास वो कौन सा सीक्रेट प्लान है उस अमेरिकन सोल्जर के लिए जो कि डॉक्टर सटाओ के पास है। यानी डॉक्टर सटाओ ने जिस अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में पनाह दे रखी थी उस अमेरिकन सोल्जर के लिए जनरल के पास कौन सा सीक्रेट प्लान होता था। तो इसका आंसर है कि जनरल ने प्लान किया कि वो अमेरिकन सोल्जर को ठिकाने लगवा देगा, वो अपने प्राइवेट असेशंस भेज देगा यानी हथियारे भेज देगा, और उसने डॉक्टर सटाओ को ये भी अश्योर किया कि वो जो है डेड बॉडी की भी चिंता ना करे, उसके जो किलर्स हैं वो डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हना टोल्ड यूमी टू वॉच द सोल्जर, हाउ डिड यूमी रिएक्ट। तो इसका मतलब है कि यूमी जो है हना की मेड सर्वेंट है, कि हना ने जब यूमी से सोल्जर को वॉश करने के लिए कहा तो यूमी ने कैसा रिएक्ट किया। इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब हना ने यूमी से उस सोल्जर को वॉश करने के लिए बोला तो यूमी ने ब्लंटली रिफ्यूज कर दिया। यूमी ने कहा कि उसने इससे पहले कभी किसी व्हाइट मैन को वॉश नहीं किया है और ख़ास तौर से इतने डर्टी को तो बिल्कुल भी नहीं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आप देख लीजिए जो कि है आपकी स्क्रीन पर, यह है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाई डज जो कॉल स्कंक्स मदर अ स्टूपिड मॉमी, व्हाट डिड शी वांट द मदर टू बी पनिश्ड फॉर। ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट लेसन से। इसका मतलब है कि जो ने स्कंक की मदर को स्टूपिड मॉमी क्यों कहा है और वो क्या चाहती है कि जो कि स्कंक की मदर को कैसे पनिश किया जाए। तो इसका आंसर में आप देख सकते हैं कि जो ने स्कंक की मदर को एक स्टूपिड मम्मी इसलिए बोला क्योंकि स्कंक की जो मदर है वो स्कंक के अंदर फिर से उसकी ओरिजिनल गंदी स्मेल वापस डालना चाहती है। वो नहीं चाहती कि स्कंक के अंदर रोजेस की स्मेल रहे, वो चाहती तो इसलिए जो चाहती है कि स्कंक की मदर को पनिश किया जाए कि वो अपने सन के लिए इतनी इनसेंसिटिव, क्रूल एंड अनफेयर कैसे हो सकती है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10। हाउ इज एन अडल्ट पर्सपेक्टिव डिफरेंट फ्रॉम चाइल्ड पर्सपेक्टिव, कि अडल्ट का पर्सपेक्टिव चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से अलग होता है, यानी बड़ों का नज़रिया बच्चों के नज़रिए से कैसे अलग होता है। तो इसका आंसर है कि बहुत सारे जो है डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के और बड़ों के नज़रिए में। एक जो चाइल्ड के थॉट्स होते हैं वो बिल्कुल भी पोल्यूटेड नहीं होते, वो बिल्कुल भी करप्टेड नहीं होते। उनके जो थॉट्स होते हैं उनमें नेचुरल फ्लो होता है, बच्चों की स्पीच में भी नेचुरल फ्लो होता है। बच्चे जो है विदाउट थिंकिंग सोचते हैं, वो किसी रिएक्शन की चिंता नहीं करते, जबकि बड़ों को बोलने से पहले सोचना पड़ता है। बच्चे जो होते हैं वो सोसाइटी के रूल्स में बंधे हुए नहीं होते, जबकि जो बड़े होते हैं अडल्ट होते हैं उनको सोसाइटी के लॉज के हिसाब से चलना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है व्हाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन, कि मिस्टर लैम हमेशा अपना गेट ओपन करके क्यों रखते हैं। इसका आंसर है कि मिस्टर लैम हमेशा अपना गेट ओपन करके इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल माइंड नहीं करते कि कोई स्ट्रेंजर उनके घर में या फिर गार्डन में एंट्री करे, उनको कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ से। वो इसलिए भी अपने घर का गेट ओपन करके रखते हैं क्योंकि वो किसी चीज़ से नहीं डरते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डैडी टू हिम, कि मिस्टर लैम की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जिन्होंने डैडी को उनकी तरफ अट्रैक्ट किया। तो इसका आंसर है कि मिस्टर लैम एक ऐसे पर्सन हैं जो फुल ऑफ लाइफ हैं, सैडनेस और नेगेटिविटी उनके आसपास भी नहीं फटकती और वो लोगों की बात पर कोई अटेंशन नहीं देते, कोई ध्यान नहीं देते कि लोग क्या उनके बारे में रिमार्क करते हैं। मिस्टर लैम जो है उनका ऑप्टिमिज्म और उनका फ्रेंडली एटीट्यूड, वही ये चीज़ें थी जिन्होंने डैडी को उनकी तरफ अट्रैक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू रिमूव द बेसलेस फियर्स ऑफ डैडी, कि मिस्टर लैम ने डैडी का बेसलेस फियर, डैडी का डर कैसे दूर किया। इसका आंसर है मिस्टर लैम ने डैडी का जो बेसलेस फियर था उसको रिमूव किया। उन्होंने डैडी से कहा कि इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ वर्थलेस नहीं है और कोई भी चीज़ को ट्रैश नहीं समझना चाहिए, बल्कि जो वीड्स होते हैं उनकी भी अपनी वैल्यू होती है। और इसके अलावा उन्होंने डैडी को ये भी एडवाइस किया कि वो लोगों के कमेंट को इग्नोर करें, लोग क्या कहते हैं वो इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द स्मॉल सूटकेस दैट मिक्लैरी कैरीड, इसका मतलब है कि उस छोटे से स्मॉल सूटकेस में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या कंटेंट था जो मिक्लैरी के पास था, यानी मिक्लैरी के पास जो छोटा सा स्मॉल सूटकेस था उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो इसके लिए आपको कुछ 5-6 चीज़ें हैं, इनके नाम याद करने पड़ेंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो सूटकेस के अंदर, जो सूटकेस मिक्लैरी के पास था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, उसमें था एक सीट, क्वेश्चन पेपर एनवलप, इसके अलावा एक येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, अ पेपर नाइफ, अ बाइबल, द करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स एंड अ स्मॉल सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। ये कुछ चीज़ें हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट वर द प्रिकॉशंस टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन बहुत ही स्मूथली हो, बहुत ही अच्छे तरीके से हो, इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस बरते गए, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए। तो इसका आंसर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रिजनर अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिए ताकि पेपर अच्छे से हो, एग्ज़ाम अच्छे से जाए इवांस का। उन्होंने इवांस की सेल को बहुत ही अच्छे से जो है फ्रिस कर दिया था एक रात पहले। जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स थे जैसे कि रेजर, सीजर वगैरह, इन सभी चीज़ों को इवांस से दूर कर दिया गया था। इवन जो इन्विजिलेटर था उसका जो सूटकेस था उसको भी केयरफुली चेक किया गया। अब आइए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट क्लूज डिड द आंसर शीट ऑफ द इवांस प्रोवाइड टू द गवर्नर, कि आंसर शीट ने गवर्नर को इवांस के लिए क्या क्या जो है क्लूज प्रोवाइड किए। तो इसमें भी आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी।
वो है द इंडेक्स नंबर 313 एंड द सेंटर नंबर 271 जो आंसर शीट के ऊपर लिखे थे, उसने गवर्नर को प्रोवाइड किया कि इवांस है कहाँ। इन सभी चीज़ों को पुटिंग द टू टुगेदर, इन सभी चीज़ों को मिलाकर और ऑर्डिनेंस सर्वे मैप की ऑफ ऑक्सफोर्ड शायर की हेल्प से जो गवर्नर थे वो इवांस को कैच करने में, होटल के अंदर वो इवांस को कैच करने में सफल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है व्हाट डज जिट कलासा रिमेंबर अबाउट द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। जिट कलासा लैंड ऑफ एप्पल्स के अंदर जो उनका फर्स्ट डे था उसके बारे में क्या रिमेंबर करती है। देखिए लैंड ऑफ एप्पल्स जो है जिट कलासा उस जगह को बताती है, उस जगह का नाम है ये, यानी जहाँ पर वो स्कूल गई थी। स्कूल का उन्होंने पर्टिकुलर नाम नहीं बताया है, लैंड ऑफ एप्पल्स कहकर उसको उन्होंने पुकारा है। तो इसका आंसर है कि जो लैंड ऑफ एप्पल्स के अंदर उनका फर्स्ट डे था जिट कलासा का, वो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी उस दिन, बिटर कोल्ड था। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, फर्स्टली क्योंकि स्नो जो था उसने जो है पूरे ग्राउंड को कवर किया हुआ था और ट्रीज़ भी बेयर थे, और सेकेंडली जो एटमोसफेयर था स्कूल का वो बिल्कुल भी कॉर्डियल नहीं था, और उथर जो थी यानी जिट कलासा जो थी उनको वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ का कल्चर भी समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई वाज जिट कलासा सो अवर्स टू हैविंग हर हेयर कट, कि जिट कलासा अपने लंबे बाल क्यों नहीं कटवाना चाहती थी। इसका आंसर है जिट कलासा अपने लंबे बाल बिल्कुल नहीं कटाना चाहती थी क्योंकि उनकी मदर के जो वर्ड्स थे, उनकी मदर ने जो उनको समझाया था वो उनके माइंड में बिल्कुल सेट थे। उनकी मदर ने उनको बताया था कि केवल प्रिजनर्स जो होते हैं, जो वॉर में हार जाते हैं, जो कैदी होते हैं, उनके बाल ही शिंगल किए जाते हैं, और उनके कल्चर में शॉर्ट हेयर यानी शिंगल बाल उनके भी किए जाते हैं जो मॉर्नर्स होते हैं या फिर कॉवर्ड्स होते हैं। आइए हम देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट सॉर्ट ऑफ शोज ओवर एंटरटेनमेंट अट्रैक्टेड बामा, किस तरीके के शोज और एंटरटेनमेंट बामा को अट्रैक्ट करते थे। इसका आंसर है कि बाजार जो पड़ता था जब वो जो है स्कूल से घर जाती थी, घर के रास्ते में जो बाजार पड़ता था वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती थी जैसे कि स्नेक चार्मर, स्ट्रीट प्लेस, पपेट शोज एंड स्टंट परफॉर्मेंसेज। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो रास्ते में चलती रहती थी, बाजार में चलती रहती थी, और बामा को ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती थी। बामा वहीं रुक जाती थी और बामा को इन सभी चीज़ों को देखने में बहुत मज़ा आता था। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हर कम्युनिटी, कि बामा को अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कब पता चलता है। तो बामा को सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में तब पता चलता है जब वो अपने स्कूल से घर आ रही होती हैं, रास्ते में वो देखती हैं कि एक एल्डर मैन जो है एक छोटा सा स्मॉल पैकेट पकड़ के आ रहा है जिसमें कुछ जो है ईटेबल्स थिंग्स हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ है, और उसने उसको टच नहीं किया हुआ बल्कि उसको स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ है। तो गाइस ये सारे के सारे हमारे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरी की पूरी विस्टस बुक से। आप एक पेन एंड नोटबुक ले लीजिए और इन सभी को आप आराम से लिख लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ आप इसको एक लाइक कीजिए, अपने जो है फ्रेंड्स उनके साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटी सी बेल आइकन दी हुई इसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन कीप स्टडीइंग पाई स्टडी।